उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मामूल बन गया। डीजी खान में NA-191 से दोस्त मोहम्मद खोसा के इंतखाबी मुहिम के दौरान मुखालिफीन पर वार किए गए। इस हवाले से मैं जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ बताइएगा, आज इनको डेरा गाजी खान में जमाना बदल रहा है लेकिन उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन की इंतखाबी कंपेन चलाने का जो अंदाज है वो अभी तक नहीं बदल सका। PP 289 और NA-191 के ऊपर आजाद उम्मीदवार साबिक वजीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा जो है उनकी जानिब से जलसा आम में खिताब किया गया है और जलसे के अंदर उन्होंने अपने मुखालिफिन को जो है आड़े हाथों लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही साथ जो सख्त अल्फाज हैं उनका भी इस्तेमाल किया है। उनका कहना था कि वो तमाम मुखालिफिन जो कि हमारे वोटर्स को रोकना चाहते हैं वो जान ली इस बात को कि हमारे भी हाथ हैं पाँव हैं और हम आंखें जो है वो दिखा सकते हैं दूसरों की। इस हवाले से जो है वाज सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया गया है जबकि इलेक्शन कमीशन की जानेब से किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने जब्ता अखलाक के अंदर अपने इंतखाबी मुहिम के अंदर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो ममनू है लेकिन यहाँ पर उम्मीदवारों की जानेब से ऐसे अल्फाज का ज्यादा ना इस्तेमाल हो रहा है जिसके ऊपर अभी तक नोटिस नहीं लिया जा सका। जी जी शुक्रिया सैफ आपका।